कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली एग्री कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, अगर एग्री कमोडिटी की बात करें, पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जहां हमने कैस्टर को एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है। मेंथा भी साइडवे टू पॉजिटिव ही था, जबकि कॉटन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग रहा, जहां पे करीबन हमने 6% की तेजी कॉटन में बनते हुए देखी। साथ में अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, तो यहाँ पे भी हमने करीबन 5% से ज्यादा की तेजी कॉटन सीड ऑयल केक में बनते हुए देखिए। गवार कॉम्प्लेक्स में गवार सीड तो सेम थी, बट गवार गम 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ध्यान रखिए, अगर गवार गम तेज होता है, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। वहीं मसालों की अगर हम बात करें, तो मसालों के अंदर जीरा 4% की तेजी के साथ बंद हुआ, हल्दी 2% या 2.5% की करीब की बंद हुई, धनिया के अंदर भी 2% की तेजी बनी। इंडिविजुअली देखें तो सबसे पहले कैस्टर पे आ जाते हैं। कैस्टर पे नए अराइवल्स है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। चाइना मार्केट लॉकडाउन में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड या कैस्टर ऑयल की जो डिमांड होती है वहां पे इंपैक्टेड है, इसलिए प्राइसेस एक रेंज में चल रहा है। फंडामेंटल काफी मजबूत है, क्रॉप साइज आप जानते हैं काफी कम है, जिसके चलते आगे जाके भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 7800 तक का लेवल दिखा दे। बट टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइसेस अगर 7000 से 7100 के बीच में मिलता है, वहां पे बाइंग करके चलिए, जो 7750 तक का इमीडिएट टारगेट रह सकता है। मेंथा ऑयल की बात करें, तो जिस ढंग से फार्मर्स को प्राइसिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी बड़ा ड्रॉप आ सकता है, जिसके चलते प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा। अगर हम मेंथा की बात करें, तो प्राइजेस में करीबन 2-3 दिनों में एक साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम जरूर बनाए, बट 1050 का लेवल एक ऐसा है कि इसके इर्द गिर्द बाइंग किया जा सकता है, जो 1140-50 तक का जंप दिखा देगा। वहीं कॉटन की बात करें, तो कॉटन में हमने पहले भी आगाह किया था कि इंटरनेशनल कॉटन 136 से 140 सेंट तक दिखा सकता है। कल शाम के सेशन में हमने 136 सेंट का ऑलमोस्ट हाई लगते हुए देखा है मार्केट में। जिस ढंग से क्रूड में तेजी आ रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देगा, क्योंकि जब मैनमेड फाइबर पॉलिस्टर महंगे होते हैं तो कॉटन को भी मिलता है। टेक्सास के अंदर भी ड्रॉट कंडीशन बना है, इंडिया का भी जो क्रॉप है वो काफी कम है, डिमांड में नो डाउट इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है हायर प्राइस की वजह से, बट अदर फैक्टर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाइमिंग हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट में 44,000 तक के भी लेवल हम कॉटन देख पाएंगे। इंटरनेशनल में 136 सेंट तो हो चुका है, बट हायर साइड में हमें लगता है कि 140 सेंट भी दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी तेजी का रुख बताया था। मार्च के अभी 5-7 दिन बच गए हैं, बट अभी भी मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 3320 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है, तो करीबन हम 3500-3600 की रेंज देख पाएंगे। बट हाँ, गुंजाइश है कि 10-12 अप्रैल से पहले पहले हम 3800 का भी लेवल तोड़ देंगे। तो ये कमोडिटी पे आपको ध्यान रखना है ज्यादा, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के दोनों में जबरदस्त तेजी का रूप बना हुआ रहेगा। वहीं गवार और गवार गम दोनों में हम 2022 के लिए अगले 2-3 महीने के लिए जबरदस्त तेजी का माहौल देख रहे हैं। जिस ढंग से यूएस और रशिया के बीच में तनाव बढ़ा है, यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कल रिग काउंट्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसके चलते हमें लगता है आने वाले टाइम में, मतलब अगर हम 15-20 दिन की बात करें, तो 6550 का टारगेट गवार सीड में इमीडिएटली देखने मिल जाएगा। गवार गम हमें लगता है 12800 तक का लेवल अगले 15-20 दिन में देखने मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म 8000 का टारगेट गवार सीड में और करीबन 15000 का टारगेट गवार गम में देखने मिल जाएगा। मसालों के अंदर हमें हल्दी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी लगती है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, घाई मत कीजिए, क्योंकि अराइवल प्रेशर रहेगा मार्केट में और एक्सपोर्ट डिमांड में अभी टेम्परनेस मिल सकती है, तो हो सकता है आज 400-500 का लेवल फिर से मिल जाए, घाई करके बाय नहीं करना। लेकिन जीरा और धनिया बिल्कुल अवॉइड करके चलिए, इसमें हमें बाइंग अभी नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत मजबूत है, जो 25-26 हजार का लेवल दिखा दे अगस्त तक, और धनिया में तो 18,000 से 20,000 का भी लेवल दिखा दे, बट टाइमिंग अगले एक महीने तक गुंजाइश है कि हम 20,000 के नीचे के भाव जीरे में और 9,500 के भाव हम धनिया में देख पाए। तो जीरा और धनिया थोड़ा अवॉइड कीजिए, हल्दी बाय ऑन ड्रॉप रखिए, गवार सीड गवार गम में जबरदस्त तेजी है, कॉटन कॉटन सीड ऑयल केक में जबरदस्त तेजी है। धन्यवाद। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं,
बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।